बिजनौर में करीब 4 दिन पहले नाले में मिली एक लाश के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक अवैध संबंधों के चलते इकरामुद्दीन की हत्या की गई थी। हत्या के आरोप में पुलिस ने मृतक की पत्नी और उसके प्रेमी सहित 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, बिजनौर जिले के गांव जंदरपुर में 28 फरवरी को नाले में एक अज्ञात शव मिला था। पुलिस ने इस घटना का खुलासा करने के लिए स्वाट टीम को जिम्मेदारी दी, जिसने सर्विलांस और CDR की मदद से कातिलों को गिरफ्त में लिया। पुलिस ने आरोपियों से 3 मोबाइल, 2 मोटरसाइकिल, 1 पर्स और 1 मफलर बरामद किया है। इकरामुद्दीन की जो उम्र लगभग 30-32 वर्ष है, उसकी डेड बॉडी जंदरपुर का जो रहने वाला है मिली थी। उसके भाई की तरफ से, सलीम की तरफ से अभियोग पंजीकृत कराया गया। उसको डाउट था कि उसके भाई की पत्नी जो गुलशन है, उसके फुफेरे भाई के साथ जो जाकिर नाम है, अवैध संबंध थे। पूछताछ के लिए इनको बुलाया गया। कड़ाई से पूछताछ करने पर जाकिर, उसकी पत्नी, लोग जाकिर का सगा भाई या दूर का रिश्तेदार, 4 लोगों ने मिल करके मफलर से गला घोट करके उसकी हत्या करके डेड बॉडी फेंक दिया था बाग में। उनके कब्जे से 3 मोबाइल फोन, 2 मोटरसाइकिल, मृतक का पर्स एवं अन्य कागजात बरामद हुए हैं कि जेल भेजा जा रहा है।